एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो बोन्स और जॉइंट से मिलकर बना होता है, उसको अपन बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस अपन देख लेते हैं, जैसे कि सपोर्ट करना और प्रोटेक्शन देना सॉफ्ट टिश्यू को और ऑर्गन्स को, अटैच रखना मसल्स को, बोन्स और मसल्स का अटैचमेंट, रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का फॉर्मेशन करना बोन मैरो में, ये भी अपना बोन करवाता है। उसके बाद स्टोर करना मिनरल सॉल्ट्स को, जैसे कि फॉस्फोरस और कैल्शियम। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, बोन को क्लासिफाई किया है कि बोन अपने स्केलेटल सिस्टम से कितनी बोन्स होती हैं। तो पहली होती है लॉन्ग बोन, फिर होती है शॉर्ट बोन, फिर होती है फ्लैट बोन, फिर होती है इरेगुलर बोन और फिर होती है सेसामॉइड बोन। तो लॉन्ग बोन नाम से ही पता चल रहा है, ये लिम्ब में प्रेजेंट होगी और लॉन्ग होगी। शॉर्ट बोन छोटी होगी, शाफ्ट नहीं होगी उसमें। फ्लैट बोन में सिर्फ दो लेयर होंगी, कॉम्पैक्ट बोन होगी और स्पॉन्जी, कॉम्पैक्ट बोन विद अ स्पॉन्जी सब्सटेंस होगा, जैसे कि पेल्विक बोन्स और स्पैचुला। इररेगुलर बोन जो होती है डू नॉट फॉल एनी ऑफ कैटेगरी, जैसे कि वर्टिब्रेट और बोन्स ऑफ द फेस। सिसमॉइड बोन्स जो होती है वो स्मॉल बोन्स होती है विच डेवलप्स इन द टेंडन्स ऑफ मसल्स, जो कि मसल्स की टेंडन्स में डेवलप होती है, जैसे कि पटेला ऑफ नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स में जो नी, अपना जो नी होता है उसकी जो बोन होती है उसको अपन पटेला बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अपन का दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक होता है कैल्सिलस बोन और एक होता है बोन का पार्ट है ये कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन हार्ड पार्ट होता है, आउटर सरफेस में होती है, और कैल्सिलस बोन जो होता है वो स्पॉन्जी पार्ट, इनर पार्ट होता है बोन का। मैं थोड़ा आपको डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस टाइप की एपिफाइसिस होती है और ये होती है मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस हर एंड के पार्ट को बोलते हैं मेटाफाइसिस, और ये जो इसके बीच की जो वो है पूरी, इसको बोलते हैं डायफाइसिस। इसको अपन शाफ्ट भी बोलते हैं, शाफ्ट। और ये है कैंसिलस बोन, बीच का पार्ट, ये सॉफ्ट पार्ट होता है। और जो बाहर का पार्ट होता है, जो हार्ड होता है, उसको अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। ये देखिए अपन एन मुर्गेस से पढ़ते हैं और ये अपन GNM की एनाट फिजियो की बुक से समझेंगे। इसमें लिखा है अ लॉन्ग बोन हैज़ टू एंड एपिफाइसिस, जिसको अपन बोलते हैं। तो इसके दो एंड है जिसको अपन एपिफाइसिस बोलते हैं। ये एपिफाइसिस एक, ये एपिफाइसिस दो, ठीक है। कनेक्ट बाय अ शाफ्ट, शाफ्ट होता है एक जिसको अपन बोलते हैं डायफाइसिस। तो ये एक कनेक्ट होता है ये दोनों एपिफाइसिस शाफ्ट से, जिसको अपन बोलते हैं डायफाइसिस, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग द बोन इज पेरियोस्टम, जो आउटर कवरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं पेरियोस्टम। देखिए यहाँ पर लिखा है पेरियोस्टम। उसके बाद लिखा है इट फॉलोड बाय अ थिक लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन की थिक लेयर से कवर रहता है। फिर उसके बाद इसमें लिखा है इनसाइड दिस इज अ सेंट्रल मेड्यूलरी कैनाल, सेंटर पे मेड्यूलेटेड कैनाल होती है। अब देखिए ये पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन में क्या अंतर होता है। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो हार्ड और डेंस होती है, जो कि फाउंड होती है फ्लैट बोन में। शाफ्ट जो होता है इसका लॉन्ग होता है, है ना, एंड दिस कवरिंग ऑफ ऑल बोन, और ये हर बो सारे बोन में कवर होती है, सारी बोन की कवरिंग लेयर होती है। फिर आता है अपना कैंसिलस बोन। कैंसिलस बोन जो होती है वो स्पॉन्जी पार्ट होता है, स्पॉन्जी इसका अपीयरेंस होता है, और ये फाउंड होती है एंड ऑफ लॉन्ग बोन, एंड बोन लॉन्ग बोन के एंड में फाइंड होती है। इन शॉर्ट बोन एंड इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट टिश्यू के दो लेयर में प्रेजेंट होती है। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन, माइक्रोस्कोप में बोन्स कैसा होता है। तो क्रॉस सेक्शन किया गया माइक्रोस्कोप में, तो अपन ने साइंटिस्टों ने चार पार्टों में डिवाइड किया। एक होता है हेवर्सियन कैनाल, जो कि एक होता है हेवर्सियन कैनाल, सेकंड होता है लैमिलाई, थर्ड होता है
लैक्यूनाई, फोर्थ होता है कैनालिकुलाई। तो हेवर्सियन कैनाल में अपन ने देखा ये जो होता है वो बोन के सेंटर में पाया जाता है, जो कि ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फेटिक को कंटेन करके रखता है। लैमिनाई जो होता है वो क्या होता है, बोन्स की प्लेट होती हैं, अरेंज होती है हेवर्सियन कैनाल्स के अराउंड में। लैक्यूनाई क्या होता है, लैक्यूनाई जो होती है वो होती है स्पेस होती है किसके बीच की, लैमिनाई की, लैमिनाई के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है लैक्यूनाई, और इसमें जो होता है बोन्स की सेल्स होती हैं। कैनालिकुलाई में अपन क्या होता है, कैनालिकुलाई जो होता है उसमें फाइन चैनल्स होती हैं, और इसमें क्या होता है लैक्यूनाई में लैक्यूनाई की रेडिएंट होती है बिटवीन लैक्यूनाई एंड सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल। सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल और लैक्यूनाई के बीच की जगह को अपन कैनालिकुलाई बोलते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर मिलके, ऑल द स्ट्रक्चर टुगेदर, ये सारे स्ट्रक्चर मिलके एक यूनिट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं हेवर्सियन सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेवर्सियन सिस्टम। अब मैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल। ह्यूमन स्केलेटल में कितनी बोन होती है, तो अपन को सबको मालूम है कि ह्यूमन स्केलेटल में 206 हड्डियाँ होती हैं। और सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन स्कल से, बोन ऑफ द स्कल्स। तो स्कल्स को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बोन ऑफ क्रैनियम जिसको अपन ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, और बोन ऑफ फेस। बोन ऑफ क्रैनियम और बोन ऑफ फेस। तो बोन ऑफ क्रैनियम जो होती है वो 8 होती है, टोटल 8 बोन्स होती हैं, और फेस में टोटल 14 बोन्स होती हैं। तो सबसे पहले क्रैनियम की बात करते हैं, तो एक फ्रंटल बोन होती है, एक दो पैराइटल होती हैं, दो टेम्पोरल होती हैं, एक ऑसिपिटल होती है, एक स्पेनॉइड होती है, और एक इथमॉइड होती है। ये एक अपन थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिटेल में इस बुक से समझते हैं। ये देखिए स्कल कैप और बेस, पैराइटल और टेम्पोरल जो होती है वो पेयर्ड में होती हैं। पेयर्ड मतलब दो, अनपेयर्ड मतलब वन। पेयर्ड मतलब दो, अनपेयर मतलब वन। फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्पेनॉइड और इथमॉइड जो होती है वो अनपेयर्ड होती हैं। पैराइटल और टेम्पोरल जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं। उसके बाद इसी तरह अपन फेस की बात करें, फेस में टोटल 14 बोन होती हैं, 14 बोन होती हैं। तो इसमें अपन अगर बात करें तो जाइगोमेटिक, मैग्जिला, नेजल, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा, लैक्रिमल और पैलेटाइल, और पैलेटाइन जो होती है वो पेयर्ड होती है, मतलब दो होती हैं। फेस की सिर्फ दो ही अनपेयर्ड होती हैं, एक होती है वूमर और एक होती है मैंडिबल, ये अनपेयर्ड होती हैं। देखिए अपन इसकी तरीके से अगर बात करें तो ये हो गई अपनी फ्रंटल बोन, ये हो गई अपनी पैराइटल बोन, ये हो गई अपनी टेम्पोरल बोन, उसके बाद ये हो गई अपनी ऑसिपिटल बोन, और ये हो गई अपनी इथमॉइड बोन अंदर होती है, और ये हो गई अपनी स्पेनॉइड बोन, ये यहाँ होती है। तो ये हो गई अपनी बोन ऑफ स्कल, तो ये हो गई अपनी बोन ऑफ स्कल या फिर बोन ऑफ क्रैनियम, ठीक है। अब इसमें अपने तीन सूचर्स होते हैं। सूचर्स क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि यूनाइट करते हैं बोन्स को स्कल की। तो अपने तीन इंपॉर्टेंट सूचर्स होते हैं, एक कोरोनल सूचर, एक सेजाइटल सूचर और एक लैम्डोइड सूचर। अब अगर अपन बात करें फेस की बोन की, तो फेस की बोन कितनी होती है ये अपन देख लेते हैं। दो होती है मैग्जिलाई, मैग्जिलाई मतलब अपर जो की बोन्स होती हैं दो, एक होती है मैंडिबल, लोअर जो की बोन होती है एक, दो होती है पैलेट बोन, इसको अपन पैलाइटल बोन भी बोलते हैं, इसको अपन पैलेटाइन बोन भी बोलते हैं, दो होती है जाइगोमेटिक बोन, दो होती है लैक्रिमल बोन, दो होती है नेजल बोन, दो होती है इन्फीरियर टर्बाइनेट बोन, इसको अपन इन्फीरियर नेजल कॉन्चा भी बोलते हैं, एक होती है वूमर। तो ये देखिए कि कहाँ कहाँ होती है, अपन यहाँ से देख लेते हैं अच्छे से। देखिए ये होती है मैग्जिला, ये होती है मैंडिबल, ये होती है जाइगोमेटिक, ये होती है लैक्रिमल, फिर उसके बाद अपन बात करें इन्फीरियर नेजल कॉन्चा और लैक्रिमल, ये सब, ये देखिए लैक्रिमल बोन अंदर है, इन्फीरियर नेजल कॉन्चा भी अंदर है, नेजल बोन ये है,
नाक की बोन अपन जिसको बोलते हैं, ये देखिए फ्रंट व्यू से नेजल बोन ये है, मैंडिबल ये है, मैक्सिला ये है, जाइगोमेटिक ये है, ये जाइगोमेटिक है, इन्फीरियर नजल कौनचा अंदर होती है, लैक्रिमल अंदर होती है, नेजल बोन ये है और रूमर भी अंदर होती है। अपन बात करें अपर लिम्स की बोन की या फिर अपने हैंड की बोन की, तो ये देखिए ये एक होती है ह्यूमरस, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना, 8 होती है कार्पल्स और 5 होती है मेटाकार्पल्स और 14 होती है फेलेंजेस। तो टोटल मिला के जो अपर लिम्स की बोन है वो होती है 30 एक हैंड में, दो हैंड में हो गई 60। ऐसे ही अपन अगर बात करें लोअर लिम की, तो लोअर लिम की जो बोन होती है एक होती है फीमर, एक होती है पैटेला, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबूला, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबूला, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। तो टार्सल्स होती है इसमें 7, मेटाटार्सल्स होती है इसमें 5 और फेलेंजेस होती है इसमें 14। तो टोटल मिला के हो गए इसमें 30। फिर अपन बात करें वर्टिब्रा कॉलम की, तो वर्टिब्रेट कॉलम में होती हैं, सबसे पहले होती है सर्वाइकल, फिर होती है थोरेसिक, फिर होती है लंबर, फिर होती है सेक्रम, फिर होती है कोकेजाइल। तो देखिए जो सर्वाइकल होती हैं वो 7 होती हैं, थोरेसिक जो होती है वो 12 होती हैं, लंबर जो होती है वो 5 होती है और सेक्रम जो होती है वो 5 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज़ होके एक बनती हैं, और जो कोकोजियल होती हैं वो 4 होती हैं जो कि फ्यूज़ करके एक बनती हैं। कुछ इस तरीके से देखिए मैंने लिखा हुआ है, सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती है, थोरेसिक जो होती है वो 12 होती है, लंबर जो होती है वो 5 होती है, सैक्रल 1 होती है, लेकिन 5 बोन्स होती हैं जो कि फ्यूज़ होके एक बन जाती है, और कोकोजियल जो होती है वो 4 होती है लेकिन वो फ्यूज़ होके एक बन जाती है। तो ऐसे करके अपने पास 26 टोटल 26 वर्टिब्रेट कॉलम होती हैं, टोटल नंबर 26 होता है, लेकिन बच्चों में इसकी बोन्स 33 होती हैं। और जो पहली होती है सर्वाइकल उसको बोलते हैं एटलस, सेकंड को बोलते हैं एक्सिस। अब अपन बात करें थोरेक्स की, तो थोरेक्स जो होती है वो टोटल 25 बोन्स होती हैं, जो रिब्स होती हैं वो 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर मतलब टोटल 24 रिब्स होती हैं, और एक जो होता है वो होता है स्टर्नम, एक होती है स्टर्नम जिसको अपन ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो 12 जो होती हैं वो होती हैं 12 पेयर थोरेक्स की, तो इसमें जो 7 होती हैं, 7 पेयर जो होता है वो ट्रू होते हैं, 3 पेयर जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं और 2 पेयर जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं। और स्टर्नम की बात करें तो ये एक बोन होती है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद अगर अपन बात करें जॉइंट्स की, तो जॉइंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पहला होता है फाइब्रस जॉइंट, दूसरा होता है कार्टिलेजियस जॉइंट और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, और तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट। आप ये देख सकते हैं एक फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है स्कल, जो कि मैंने आपको फर्स्टली बताया था, स्कल में 3 टाइप के सूचर्स होते हैं। तो ये देखिए सेजिनाइटल सूचर, तो ये देख लिए सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर जो होते हैं वो पेराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है उसको बोलते हैं, और 2 पेराइटल बोन को ऑसिपिटल बोन से जोड़ने का जो सूचर काम करती है उसको बोलते हैं लेमडोइड सूचर। और ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल होता है स्कल और टीथ। मैंने ये जॉइंट्स शॉर्ट फॉर्म में बना के रखे हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं, इमूवेबल होते हैं, मतलब फिक्स होंगे और मूव नहीं करेंगे, एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया है स्कल और टीथ। कार्टिलेजियस जॉइंट जो होते हैं वो बाइंड होते हैं टिश्यू बिटवीन बोन, बोन के बीच में टिश्यू रहेंगे, जैसे वर्टिब्ला और लॉन्ग बोन जब छोटी होती हैं, जब अपन बच्चे होते हैं तब छोटी होती हैं, जैसे जैसे अपनी हाइट बढ़ती जाती है तो लॉन्ग बोन बढ़ती जाती है और वर्टिब्ला भी बढ़ती जाती है,
तो ये एग्जांपल है कार्टिलेजियस जॉइंट का। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में पांच टाइप्स आते हैं, मेन टाइप्स यही होते हैं। पहला होता है हिंज, फिर आता है सैडल, फिर होता है ग्लिंडिंग, फिर होता है पाइवट, फिर होता है बॉल एंड सॉकेट। तो हिंज जो होता है वो एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन का एग्जांपल है। एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन करवाता है हिंज जॉइंट। तो इसका एग्जांपल है एल्बो नी, एल्बो और नी इसका एग्जांपल है। सैडल जो होता है वो बिटवीन बाइकॉनकेव और बाइकॉनवेक्स बोन में होता है, इसका एग्जांपल है थंब। ग्लिंडिंग जो होता है वो स्लाइड पासिंग करवाता है, इसका एग्जांपल है कार्पल और मेटाकार्पल्स। पाइवट जो होता है वो रोटेशन करवाता है, इसका एग्जांपल है रेडियस और अल्ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं वो रेडियल मूवमेंट करवाते हैं, इसका एग्जांपल है हिप और शोल्डर। ये एग्जांपल में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आपका स्केलेटल सिस्टम भी पूरा कंप्लीट हो गया है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।